सो गाइस, आप चाहते हो कि आपका जो YouTube चैनल है उसको YouTube खुद बूस्ट कराए, आपको जो भी 10 भी 50 व्यूज आते हैं उससे थोड़ी सी आगे गाड़ी जाए, थोड़े से एडवांस लेवल पे आपका चैनल जाए, थोड़े से एडवांस तरीके से आपका चैनल ग्रो हो और उस पर व्यूज अच्छा खासा आए। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि खासकर वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें कुछ मैं आपको स्मार्ट वर्क बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप मेरी वीडियो देखते हो और मैंने इसी तरीके से अपना चैनल ग्रो किया था और आज भी ये चीज़ मैं फॉलो करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको आखिर करना क्या है जिसके वजह से आपका चैनल ग्रो हो, जिसके वजह से आपको व्यूज मिलेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ आपको मेन पॉइंट बताऊंगा, अगर आप उस चीज को समझ लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा यूट्यूब चैनल ग्रो करने में और बहुत जल्दी आप ग्रो कर जाओगे और बहुत जल्दी आपके अच्छे अच्छे व्यूज आने लगेंगे, बहुत जल्दी आपका चैनल बूस्ट हो जाएगा। तो क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है और कितने टाइम तक करना है, ये भी चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और गाइस, हमारे चैनल पे प्रमोशन में चल रहा है, मैं रोया दो चैनल को प्रमोट करता हूँ, जो फर्स्ट कमेंट करता है उसका चैनल प्रमोट कर देता हूँ, जो कमेंट करता है और उसका रैंडम पिकअप विनर में नाम आता है तो मैं उसका चैनल प्रमोट कर देता हूँ। अगर आप वीडियो को पूरा देख के आप कमेंट करते हो तो आपका 100% रैंडम पिकअप में नाम आ सकता है, अगर फर्स्ट कमेंट करते हो तब भी आपका चैनल प्रमोट हो जाएगा। अब गाइस, बात कर लेते हैं यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है। दो चीजें सबसे ज्यादा मेन होती है, यूट्यूब क्या चाहता है आपसे कि आपके चैनल पे वीडियो आए, यानी कि YouTube को चाहिए वीडियो, ऑडियंस को क्या चाहिए, ऑडियंस को भी वीडियो चाहिए, लेकिन किस टाइप की वीडियो चाहिए। ऐसा नहीं है कि YouTube को तो चाहिए वीडियो, आप कुछ भी उठा के अपलोड कर दो, लेकिन ऑडियंस को क्या चाहिए, ऑडियंस को चाहिए कुछ अच्छा, कुछ अलग, कुछ यूनिक, ठीक है। अगर वो चीज होगी ना तो ऑडियंस आपकी वीडियो देखेगी, अगर आप रेगुलर वीडियो डालोगे ना तो YouTube आपकी वीडियो आगे पहुंचाएगा। किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से आपको काम करना है वो चीज़ मैं आपको आगे शेयर करने वाला हूं, बट उससे पहले कुछ आपको मैं बेसिक बताऊंगा, कुछ क्योंकि एडवांस लेवल की चीज़ें मैं आपको बता दूंगा ना तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वीडियो तो वैसे ही आप स्किप कर देते हो, वीडियो पहले पूरी नहीं देखते हो, तो पहले ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगी, क्योंकि मैं आगे की नहीं बताऊंगा जब तक आप ये चीज़ नहीं सीखोगे। गाइस, YouTube का एल्गोरिथम क्या कहता है कि आपके चैनल पर डेली वीडियो या वीक में आप जो भी वीडियो डालते हैं उसी टाइम पे अपलोड होना चाहिए। क्या होता है, अगर आप एक वीडियो अपलोड करते हो ना तो धीरे धीरे करके YouTube क्या करता है कि आप दूसरी वीडियो अपलोड करते हो, अगर आप पहली वीडियो पे जितने ज़्यादा इंप्रेशन गया, यानी कि 100 लोगों के पास, एग्जांपल के लिए 100 लोगों के पास इंप्रेशन गया उस वीडियो का, अगर उन 100 लोगों में से 10 लोगों ने वीडियो देख ली, ठीक है, उतने 10 व्यूज आ गए। अब अगर आपने दूसरी वीडियो डाली तो जितने 100 लोगों के पास, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, जिनके पास इंप्रेशन गया है, उनके पास आपकी सेकंड वीडियो का इंप्रेशन जाएगा। अब क्या पता वो सेकंड वीडियो आपकी देख ले, इस प्रकार से आपकी वीडियो का जो इंप्रेशन है वो इंक्रीज होता रहता है। अब आप एक वीडियो डालते हो, दो वीडियो डालते हो, तीन वीडियो डालते हो, चार वीडियो डालते हो, लेकिन पांचवीं वीडियो में आप अटक जाते हो कि भाई अब क्या डालूं, क्यों डालूं, मेरे तो व्यूज नहीं आ रहे हैं, YouTube बूस्ट नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार से। लेकिन उस पांचवी वीडियो से क्या पता आपकी वीडियो बूस्ट हो, वही पांचवी वीडियो आपकी चलने वाली हो, वही पांचवी वीडियो को YouTube बूस्ट कराए, लेकिन उस टाइम तक आप हार मान लेते हो, क्योंकि YouTube बूस्ट कराता है, YouTube वीडियो आगे पहुंचाता है अगर आपके चैनल पर रेगुलर वीडियो आती है, क्योंकि ये चीज मैंने खुद देखी है। आप मेरे चैनल पर देखना, आप धीरे धीरे करके व्यूज इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि मैं रोजाना वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो YouTube खुद आपकी वीडियो को आगे पहुंचाता है, लेकिन आगे पहुंचाएगा और आपकी वीडियो को कोई वॉच करेगा लेकिन उसको कुछ अलग नहीं मिलेगा, उसको कुछ हटके नहीं मिलेगा, उसको कुछ यूनिक नहीं मिलेगा, तो कोई फायदा नहीं है। YouTube तो आपकी वीडियो आगे पहुंचा देता है, लेकिन आपकी वीडियो में अगर दम नहीं है तो आपके व्यूज नहीं आएंगे, आपका जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट नहीं होगा, आपके और भी ज्यादा वीडियो आपकी बूस्ट नहीं करेगी। तो आपकी वीडियो में कुछ यूनिक होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए। अब बहुत सारे यूट्यूबर 1, 2, 3, 4, 10 वीडियो बना देते हैं, 10 वीडियो के बाद वो शांत बैठ जाते हैं कि भाई मेरे पास तो टॉपिक नहीं है, मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो गाइस, उसका सलूशन है मेरे पास, आपको करना क्या है वो चीज मैं आपको बता देता हूं, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपको रेगुलर काम करना है, रेगुलर वीडियो क्यों डालनी है, ठीक है, और आपको ऑडियंस को बांध के कैसे रखना है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप एक वीडियो डालो, उस वीडियो को किसी बंदे ने देखा, तो आप दूसरी वीडियो डालो, उस वीडियो को भी बंदा देखना चाहिए। इस प्रकार का आपका कंटेंट आपके चैनल पे होना चाहिए, जो कि मेरे चैनल पे है, मेरे चैनल पे है। आप मेरी वीडियो देखते हो, कोई सी भी वीडियो मैं अपलोड कर दूं तो आप उसको देखना पसंद करते हो कि भाई सचिन भाई ने कुछ अलग डाला होगा, कुछ नया डाला होगा। अब बात कर लेते हैं आपको कंटेंट कहां से चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर की यही प्रॉब्लम होती है कि भाई उनके पास कंटेंट नहीं होता है, वो क्या चीज़ अपलोड करें। YouTube तो वीडियो मांगता है, ऑडियंस भी वीडियो मांगती है, लेकिन आपके पास वीडियो नहीं है देने के लिए, आप क्या अपलोड करेंगे। गाइस, कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपने उस चीज़ को फॉलो कर लिया तो आपका महीने भर की वीडियो आपके सामने आ जाएंगी, महीने भर का कंटेंट आपके सामने आ जाएगा, और महीने भर ही काम करना है आपको, फिर उसके बाद थोड़ा सा काम धीमा कर सकते हैं, महीने भर में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ उसको आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हो, जैसे गाइस मैं करता हूँ। गाइस, आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, एक यहाँ पर आपको मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ,
इसमें एक मैंने पोस्ट डालता कि भाई आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, यानी कि आपको क्या चीज़ चाहिए। गाइस इसमें लेटेस्ट जो इस टाइम लोग टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, जो टॉपिक चल रहे हैं यूट्यूब पर, वही सारे के सारे टॉपिक हैं यहाँ पर। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको एक महीने के टॉपिक यहाँ पर मिल जाएंगे, कम से कम आपको 30 टॉपिक यहाँ पर ऐसे मिलेंगे जो दमदार हैं, जिन पर आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो। अब आपको फाइंड करना नहीं आता है कि आपको रिसर्च करना नहीं आता है, वो आपके ऊपर रहा। बहुत सारे यूट्यूबर कुछ पोल डालते हैं, कुछ कम्युनिटी टैब में डालते हैं, कुछ क्यूएनए वीडियो बनाते हैं, जैसे टेक्निकल योगी सर हो गए, वो कुछ क्यूएनए वीडियो बनाते हैं, उसके उनकी वीडियो के नीचे आप कमेंट में जाकर देखेंगे तो बहुत सारे वीडियो के टॉपिक आपको मिलेंगे। आपको क्या करना है, एक कॉपी लेना है, उसमें सारे के सारे टॉपिक आपको नोट कर देना है, कम से कम 30 टॉपिक। एक दिन में आप 30 टॉपिक निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पर खुद लोगों ने पूछा होता है कि भाई इंप्रेशन कैसे बढ़ाए, कि भाई टैग कैसे लगाए, कि भाई मिसलीडिंग क्या है, कि भाई टैग कहां से फाइंड करें, कि भाई टाइटल कैसे लिखे, कि भाई यूट्यूब सर्च में कैसे वीडियो आएगी। तो ये सारी की सारी चीजें चाहिए होती हैं भाई हमें यूट्यूब चैनल पर ग्रो करने के लिए। तो ये चीजें आप अगर बहुत सारे यूट्यूबर को फॉलो करते होंगे, जिसकी कैटेगरी है उसको बहुत ज्यादा फॉलो करते होंगे, उनके कमेंट सेक्शन में जाके देखिए कि उनके कमेंट सेक्शन में लोगों ने क्या पूछा है, वहां से आपको टॉपिक मिलेंगे। उन टॉपिक के ऊपर आपको 30 दिन में वीडियो क्रिएट करनी है, जो भी 30 वीडियो आप क्रिएट कर पाएंगे, जैसी वीडियो आप क्रिएट करना चाहें वैसी वीडियो कीजिए, क्योंकि YouTube को चाहिए आपके चैनल से कंटेंट और ऑडियंस को चाहिए अच्छा कंटेंट। कंटेंट और अच्छा कंटेंट दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। YouTube को तो कंटेंट चाहिए, लेकिन ऑडियंस को कुछ अच्छा कंटेंट चाहिए जिससे आपकी ऑडियंस आपके चैनल पर रुके, आपके चैनल को सब्सक्राइब करे। और गाइस आपको पता होगा कि भाई जब मेरा YouTube चैनल ग्रो हुआ था, जब मेरा YouTube चैनल बूस्ट हुआ था 3000 से 18000 तक, ठीक है मैं आपको बताऊं, तो सिर्फ और सिर्फ 15-20 दिन में 3000 से 18000 मेरे सब्सक्राइबर हुए थे। उस टाइम आपको पता होगा, अगर पहले से मेरे साथ जुड़े हो तो आपको पता होगा कि मैंने दिन में दो दो वीडियो, तीन तीन वीडियो डाली। क्यों डाली? इसी रीजन की वजह से, क्योंकि YouTube चाह रहा था मेरे से वीडियो और ऑडियंस चाह रही थी कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ हटके चाह रही थी। ठीक है, तो वही चीज करना है आपको YouTube चैनल पर अपने, तभी आपका चैनल ग्रो हो पाएगा। बहुत सारी वीडियो आप अपलोड करते हो, लेकिन एक बार देखा करो कि ऑडियंस को क्या चाहिए, ऑडियंस क्या मांग रही है। व्यूज नहीं आते कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में व्यूज आपके जरूर इंक्रीज होंगे अगर आपके चैनल पे 100 वीडियो अपलोड हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने सर्चेबल टॉपिक, जो डिमांडेबल टॉपिक है, जो हमेशा सर्च किए जाते हैं, उनके ऊपर आपने अगर वीडियो बनाई है तो आपकी वीडियो सर्च में भी जाएगी, वॉच फीचर में भी जाएगी, अगर उनको कोई सर्च करता है, उनसे रिलेटेड कोई वीडियो देखता है। अगर आपकी वीडियो में डेली में अगर 10 व्यूज आते हैं, अगर आपके चैनल पे 100 वीडियो है तो आपके काफी सारे व्यूज हो गए, डेली के आपके काफी सारे व्यूज हो गए, तो आपको व्यूज की वहां पर पंगा नहीं रहेगा, क्योंकि आपके चैनल पर 48 घंटे का व्यूज अच्छा आना चाहिए। आपकी एक वीडियो से मतलब नहीं है कि आपकी वीडियो पे एक वीडियो पे आपका व्यूज कम आया, एक वीडियो पे ज्यादा आया, इससे कोई मतलब नहीं। आपके चैनल पर 48 घंटे में कितने ज्यादा व्यूज आते हैं इससे मतलब है, इसी से आपका चैनल ग्रो होगा। अगर ये चीज आपकी इंक्रीज होते गई उसके साथ आपके सब्सक्राइबर भी इंक्रीज होते रहेंगे। तो आई होप गाइस ये चीज आपके समझ में आ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और क्या चीज आपको अपने चैनल पर करना है। कुछ ऐसे टॉपिक फाइंड करके रखिए जिससे आपको कभी प्रॉब्लम ना हो, और उन टॉपिक को इस तरीके से मॉडिफाई कीजिए, इस तरीके से अपने चैनल पर बताइए कि भाई एक बार कोई बंदा देखे तो इंप्रेस हो जाए कि भाई इसकी वीडियो में कुछ ना कुछ बात है यार, इसकी वीडियो कुछ अलग है। ठीक है, तो क्वालिटी कंटेंट के साथ थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए। हार्ड वर्क तो आप करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क के साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क चलता है। स्मार्ट वर्क करोगे तभी यूट्यूब पे टिकोगे। 2021 का ये फंडा है, स्मार्ट वर्क करने वाला ही आगे जाएगा, हार्ड वर्क का यार जमाना गया। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत सारी हार्ड वर्क करके वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन कुछ लोग स्मार्ट वर्क करना नहीं जानते। तो भाई स्मार्ट वर्क यही होता है, स्मार्ट वर्क यही होता है, कंटेंट खुद फाइंड ना करो, कंटेंट देखो कहां पर मिलेगा, सही जगह जाओ, अपने दिमाग का गलत यूज मत करो, बस सही जगह जाओ और सही तरीके से वहां पर यूज करो। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही, और जो चीज मैंने बताई है वो आपके 100% समझ में आ गई होगी, और जिसके समझ में आ गई होगी वो अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करके ले जाएगा, जिसके समझ में नहीं आई होगी तो भाई वो अभी भी अपना सर ऐसे ही करता होगा कि भाई सचिन भाई ने क्या क्या बता दिया, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो भाई वीडियो को दोबारा से देखना, जो चीज बता रहा हूं वो चीज आपको करना पड़ेगी। गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार काफी सारा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है, काफी सारी अच्छी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं जो आपके YouTube चैनल को आगे ले जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को यार लाइक जरूर किया करो, यार चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जा रहे हैं। वीडियो तो देख ले रहे हैं, लाइक भी कर दे रहे हैं, कमेंट भी कर दे रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो भाई सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा शेयर किया करो वीडियो, कमेंट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कमेंट करने से आप मेरी नज़र में आओगे, तो कमेंट भी एक जरूर किया करो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।